मोस्ट कल्याण संस्थान के तत्वाधान में विकासखंड करौंदी कला के कटघर पूरे चौहान गांव में प्रधान परविंद पाल के नेतृत्व में शिक्षा जागरूकता मोस्ट बहुजन जोड़ो सम्मेलन हुआ। मोस्ट प्रदेश संयोजक रामानंद बौद्ध ने कहा कि लोकतंत्रीय भारत में जातीय संकीर्णता पिछड़ों के पिछड़ेपन और उनकी राजनीतिक एकता में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। आज जाति ही पिछड़े वर्ग को तोड़ने वाला हथियार बन गया है। जाति के दरबे से बाहर निकलकर मोस्ट बहुजन समाज का निर्माण किए बिना पिछड़ों पर हो रहे शोषण अत्याचार से मुक्ति संभव नहीं। उक्त अवसर पर सर्वसम्मति से अमरपाल यादव त्रिलोकपुर नेवादा को कादीपुर का मोस्ट ब्लॉक सह संयोजक चयनित किया गया। इस मौके पर निदेशक शिक्षक श्यामलाल गुरुजी, प्रदेश प्रमुख जीशान अहमद, रामनयन निषाद, एडवोकेट समरनाथ निषाद, रणजीत टाइगर, राजेश वर्मा, अंजनी खरवार, जंगीलाल, नरेंद्र पाल, रामकल प्रजापति, रामचंद्र मल्लाह, बसंतु निषाद, रोचन अली, भारत यादव, अंकित खरवार, राम वचन रजक, पारसनाथ प्रजापति सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जी रहे हैं, शोषण अत्याचार सह रहे हैं, तमाम जलालत सह रहे हैं। अगर वो अपनी उन्नति चाहते हैं, अगर तरक्की चाहते हैं, अगर शोषण से मुक्ति चाहते हैं, तो उनको संगठित होना पड़ेगा। और जिस दिन वो संगठित हो जाएंगे, उस दिन उनका बल बढ़ जाएगा, वो लोकतंत्र में अपनी हैसियत बढ़ा लेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग संगठित होंगे, शिक्षा के प्रति अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे, और साथ साथ अगर कोई शोषित पीड़ित होगा उसकी मदद के लिए खड़े होंगे। आप उसकी मदद के लिए आवाज उठाएंगे, और अगर आपसे नहीं बन पड़ेगा, आप हमारे तक सूचना पहुंचाइएगा, हम लोग मिलकर के उसकी मदद करेंगे, शोषण अन्याय से रक्षा करेंगे, न्याय दिलाने का काम करेंगे। इसी सब आज अगर आप हमारे लोग जो लोग इसमें पिछड़े हैं, जो पिछड़े हैं आज, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पिछड़े हैं वो संगठित नहीं है, वो जातिगत अपने जातिगत दबे में आप कह सकते हैं या जातिगत बंधन में इतना जकड़े हुए हैं, वो अपनी जात से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, और अपनी जात से बाहर ना निकल पाने के कारण वो समाज नहीं बना पा रहे हैं। जातियां पहले कितना उपयोगी थी, कितना नहीं थी, मैं उस पर नहीं जाता, हो सकता है कभी उपयोगी रही हूं, लेकिन आज जातियां समाज की एकता में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है इस समय तो जातियां हैं, जो जाति दरबे से हमको बाहर नहीं निकलने देना चाहती। हम दुखिया हैं, हम पीड़ित प्रताड़ित हैं, हम पिछड़े वर्ग में हैं, फिर भी हम जाति दरबे के नाते, जाति बंधन के नाते, जाति सम्मोहन के नाते अपनी जात से बाहर नहीं निकल पाते, और मानवता को भी हम तार तार कर देते हैं।